दीपावली का त्यौहार यानी खुशियों का त्यौहार हर कोई अपने परिवार और सगे संबंधियों के बीच मनाना चाहता है, क्योंकि घर से फासले किसे अच्छे लगते हैं। लेकिन मजबूरी ही है जो दो वक्त की रोटी के लिए अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर में रोजगार करना पड़ता है। दीपावली नज़दीक है और दूर दराज से आए मेहनत मजदूरी, ठेले फेरी वाले बस जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि वह अपने बच्चों के साथ खरीदारी और त्योहार मनाने का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। यही वजह से त्योहार की खुशी पूछने पर लोगों के मन में विशेष उमंग देखने को मिल रही है। आप भी सुनिए किसने क्या कहा। यहाँ रोटी बेचते हैं 2 महीने के लिए, यहाँ 2 महीने बेचने के लिए आते हैं। बिजनौर से, जम्मू से लाते हैं। हल्द्वानी बढ़िया शहर है, बिकता भी ज़्यादा है, इसलिए हल्द्वानी में पसंद किया है। तो आप दिवाली में घर जाएंगे? हाँ बिल्कुल घर जाएंगे। कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे तो उनके लिए कितना कुछ गिफ्ट लेके जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल लेके जाएंगे। बस सोचने की बात तो यह है कि जेब सुझाएगी, जेब में जो पैसा होगा जब भी तो सोचेंगे। अब इस तरह का कारोबार है नहीं, अभी दुकानदारी नहीं है इस तरह की। बच्चे जो है कितने बड़े हैं आपके? बच्चे कोई 5 साल का, कोई 60 साल का, कोई 10 साल का, इस तरीके के हैं। तो यहाँ से हल्द्वानी से कब कुछ करेंगे आप? हम 23 तारीख में बहेड़ी से आए हैं। ये कब से बेच रहे हैं आप? हमने तो आज ही लगाया है, कल लाए थे। तो दिवाली का क्या सोचा है, परिवार के साथ मनाएंगे या क्या करेंगे? जी परिवार साथ मिलाएंगे। तो इतना कमाई हो जाएगी कि दिवाली परिवार के साथ मना सकें? जी जी हो जाएगी। हर बार बेचते हैं? हाँ हर साल आते हैं। लगभग कितनी कमाई हो जाती होगी? जी कितना कमा लेते होंगे? लगभग कमा लेते हैं 10-20 हज़ार। ये तो यहाँ पर तो हमें 1 महीना हुआ है, अभी अल्मोड़ा थे यहाँ तक आ गए। तो इस बार दिवाली घर ही बनाएंगे या यहाँ बनाएंगे? नहीं घर पर जाएंगे दीपावली पे। शादी हो गई आपकी? हाँ हो गई। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। छोटे हैं बड़े हैं? छोटे हैं। तो क्या बाहर लेके जाने की सोच रहे हैं? वहाँ बच्चों को क्या देंगे इस बार दिवाली में? दीपावली में तो अपने यहाँ पर खरीदें जाके। कितनी आय हो जाती है आपकी? इतना कमा लेते हैं आप? हाँ कमा लेते हैं, बच्चों खर्चा चल जाता पढ़ाई लिखाई। इस बार तो अच्छा है दीपावली, अगली बार तो दो साल से कोरोना में ही दिक्कत हो रही है, सब गांव पे बैठे हुए थे घर पे ही। इस बार क्या उम्मीद है आपकी, अच्छा जा रहे थे? हाँ इस बार तो त्यौहार अच्छा जा रहा है। खुश हैं आप? हाँ खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों के लिए क्या लेके जाने वाले दिवाली में इस बार उपहार? पर इधर से तो नहीं, अपने यहाँ पर ही खरीदेंगे जो भी कुछ खरीदना होगा। कब निकलेंगे घर के लिए यहाँ से? यहाँ से कल नहीं परसों निकलेंगे हम। मुझे 15-16 साल हो गए। तो इस बार दिवाली में क्या प्लानिंग है आपकी? हाँ जी इस बार दिवाली की क्या प्लानिंग है, परिवार के साथ मनाएंगे या बस में ही गुजर जानी है दिवाली? पहले तो ड्यूटी है जी। हाँ जी पहले तो विभाग के बारे में सोचेंगे। तो परिवार में बच्चे होंगे छोटे, क्या कहना है उनका कि पापा घर में साथ मनाएंगे या ड्यूटी रहोगे? तो सवाल करते होंगे। नहीं दिवाली वाले दिन घर पहुंच जाएंगे, उस दिन ड्यूटी हमारी ऑफ हो जाएगी। अच्छा तो मतलब दिवाली आप मनाएंगे घर ही मनाएंगे? जी। तो क्या सोचा है इस बार, क्या कैसे सोचा होगा आपने, कुछ चल रहा होगा दिमाग में आके? नहीं दिवाली अच्छे से मनाएंगे, बच्चों परिवार के साथ मनाएंगे, अच्छी मनाएंगे दिवाली। हम लिसा के काम करते हैं सर। तो अभी कहाँ जा रहे हैं? हम नेपाल जा रहे हैं अपने गाँव। तो कितनी खुशी है? खुशी है, आगे दिवाली आ रहा है, खुशी तो लगनी है। क्या आपकी शादी हो गई? शादी हो गई जी। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे मेरे 4 आए। 4 बच्चे, छोटे हैं बड़े हैं? बड़े बड़े हैं। बड़े हैं? हाँ जी। तो कुछ लोग उपहार लेके जाओगे वहीं दिलवाओगे दिवाली का? उपहार वही गाँव में लेंगे, वही ऐसे बस अपना जान जाना मुश्किल हो रहा है यहाँ पे। वैसे टंगे दूर सफर है ना, बस में टंग बजा, इधर उधर सामान ले जाने टाइम नहीं मिलता, गांव में कर लेंगे सारे सामान सामान इधर बाजार आए वहाँ पे भी। तो कितने समय रहे उत्तराखंड में यहाँ? हम 7-8 महीने रहे। हम उधर ये अल्मोड़ा से आया था, घर को जा रहे अभी। तो अभी क्या काम करते थे यहाँ पे? वहाँ हम ऐसे लीजे के काम करते थे। कितना बच्चे लेगा यहाँ से घर पहुँचने में? लगेगा 2 दिन 2.5 दिन लगे। तो कितना भाई बहन हो आपको? मेरा एक भाई है एक बहन है। कितना कमाई करके लेके जा रहे हो? कमाई तो अब कमाई उतना नहीं है, लेकिन दीपावली के लिए थोड़ी बहुत